कि अगर बाहुबली आरोपी होंगे तो सरकारें, मंत्री, संतरी, पुलिस, ये सब बाहुबलियों के संरक्षण में खड़े होंगे, ना कि न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकली साधारण महिलाओं के पक्ष में। गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी उनको नहीं बोल रहे हैं इस्तीफा देने का, इसका मतलब है, सीधी सीधी साफ बात है कि उनकी पूरी शय है। वो नहीं चाहते हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार हो, और उनका ये ना चाहना और उनकी अकर्मण्यता पूरे देश की महिलाओं को संदेश दे रही है कि इनके राज में जो ये कह करके सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनके राज में भी महिलाएं उसी तरह से असुरक्षित हैं। और ये फिर से दिखा रहा है कि किस तरीके से अगर बाहुबली आरोपी होंगे और वो अगर एक धर्म के भी है तो ये केवल बाहुबली आरोपियों के पक्ष में सरकार खड़ी हो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और लगातार महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ मैम हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के मुद्दे पे खुल के बोलती हैं और इनसे बातचीत करेंगे। इस केस को कैसे देखती हैं मैम, कैसे देखती हैं, इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? मैं प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के महासचिव हूँ और आज भी और आज के पहले भी हमारा संगठन भी और दिल्ली के तमाम महिला संगठन यहाँ न्याय के लिए जो एक जायज़ संघर्ष है उसको समर्थन करने के लिए और ये मांग करने के लिए कि भाई दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त हैं वो अविलंब ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें और जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की जो शिकायत की गई है उसमें महिला पहलवानों को न्याय मिले। और साथ साथ ये पूरे मामले में जिस तरह की एक ये चुप्पी, जिस तरह की और जिस तरह से एक आरोपी, मतलब कानून ये है कि जैसे ही शिकायत होती है FIR दर्ज होती है। इस मामले में हम क्या देख रहे हैं कि शिकायत तक को रिसीव करने के लिए 8-8 घंटे बैठना पड़ता है महिला खिलाड़ियों को, उसके बाद जो है 2 दिन वो इंतज़ार करते हैं, फिर वो धरने पे आते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करते हैं, तब तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तो FIR दर्ज होती है। तो ये और उसके बाद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और वो खुलेआम, जबकि कानून है कि भाई अगर आपके ऊपर शिकायत है आप इस तरीके से खुलेआम आप गवाहों को धमका रहे हैं, आप किस तरीके से शिकायतकर्ता का आप उसके बारे में कुछ भी बोले चले जा रहे हैं और एलिगेशंस कितने सीरियस है इस बात के कॉग्निजेंस तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 38 से 40 मुकदमे दर्ज हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, उसके बाद भी कार्रवाई में, गिरफ्तारी में इतना विलंब, आप इस केस को कैसे देखते हैं? देखिए, ये केस तो बिल्कुल एक स्पष्ट तौर पर संदेश दे रहा है कि देश के अंदर अगर बाहुबलियों के ऊपर आरोप लगाया जाएगा यौन उत्पीड़न का, तो जो शिकायतकर्ताएँ हैं ना उन्हें बहुत बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे उस आरोपी को जेल में पहुंचाने के लिए। और न केवल उन्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे, जब तक पूरा देश उनके समर्थन में, उनके न्याय के लिए खड़ा नहीं होएगा ना, यही हमने कथुआ में देखा, ये हमने उन्नाव में देखा, हमने हाथरस में ये देखा, खासकर उन्नाव में सेनगर के मामले में भी यही बात थी कि जब तक वो लड़ाई को एकदम बार बार लड़ा नहीं गया तब तक ना वो मामला ट्रांसफ़र हुआ, ना जो है उसको सज़ा हुई, और किस तरीके से शिकायतकर्ताओं के वकीलों ने कचहरी के अंदर उसको लड़ा तब जाके उसकी सजा हुई। और ये मामला फिर से, ब्रजभूषण का मामला तो फिर से इस बात को स्थापित कर रहा है कि अगर देखिए मतलब आरोपी भी यहाँ पर वही लड़कियाँ हैं और जिन लड़कियों ने आरोप लगाए, शिकायतकर्ता लड़कियाँ जो कि जो है मेडल जीत कर लाई हैं, जो देश के अंदर मतलब देश का नाम ऊंचा किया है, उन्होंने शिकायत की है और एक आरोपी है वो खुलेआम मतलब कुछ भी बकवास किए जा रहा है और उसको जिस तरीके से बचाया जा रहा है, ये एक्चुअली एक संदेश दे रहा है पूरे देश के अंदर और न केवल देश में, पूरी दुनिया में महिलाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर बाहुबली आरोपी होंगे तो सरकारें, मंत्री, संतरी, पुलिस, ये सब बाहुबलियों के संरक्षण में खड़े होंगे, ना कि न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकली साधारण महिलाओं के पक्ष में। मैम, वही टीवी चैनलों में जाके ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही बात है कि गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी उनको नहीं बोल रहे हैं इस्तीफा देने का, इसका मतलब है, सीधी सीधी साफ बात है कि उनकी पूरी शय है। वो नहीं चाहते हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार हो, और उनका ये ना चाहना और उनकी अकर्मण्यता पूरे देश की महिलाओं को संदेश दे रही है कि इनके राज में जो ये कह करके सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनके राज में भी महिलाएं उसी तरह से असुरक्षित हैं, उसी तरह से ये रिजीम जो है पितृसत्ता के संरक्षण करती है और बल्कि ज़्यादा आगे बढ़ती है, जैसे पहले भी महिलाएं लड़ती थी, इनके राज में भी लड़ रही हैं।
आप कह रही हैं कि मनुवाद, अभी आपने कहा अपनी बाइट में कि मनुवाद, अब तो भारत जो है संविधान से चल रहा है, अब मनुवाद की कोई बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप मनुवाद जैसी बात कह रही हैं, उसको कैसे देखती हैं आपकी, क्या सच में अभी भी मनुवाद है स्त्रियों के लिए भारत में? बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर ये जो मौजूदा रिजीम है ये तो RSS के दर्शन से चलने वाली रिजीम है, और RSS का दर्शन मनुवाद है, और इनके मनुवाद में एक बात है, ये हिंदुओं की बात करते हैं मगर इनका जो हिंदुत्व है वो उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है। और एक बार फिर से ये वाला केस भी यही दिखा रहा है कि यहाँ पे खिलाड़ी भी हिंदू ही लड़कियाँ हैं और आरोपी भी हिंदू है, और ये फिर से दिखा रहा है कि किस तरीके से अगर बाहुबली आरोपी होंगे और वो अगर एक धर्म के भी है तो ये केवल बाहुबली आरोपियों के पक्ष में सरकार खड़ी होगी, शिकायतकर्ताओं के। आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि जैसे आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जब 22 प्रतिज्ञा ली थी तो उनके घर के ऊपर तमाम हिंदू दल के जो संगठन वाले थे, बजरंग दल, तमाम तरह के संगठन उनके घर पे तोड़फोड़ मचा दी थी, तो अब वो संगठन कहाँ सो रहे हैं जब ये बेटियाँ हिंदू हैं और इनका शोषण हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो अब जंतर मंतर पे एक भी संगठन क्यों नहीं दिखाई दे? बिल्कुल, ये सवाल आपको ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, और सवाल तो यही है, हम समझते हैं कि दरअसल ये जितनी भी ताकतें हैं इनको हिंदू लड़कियों का खतरे में है, ये तभी दिखता है जब तक हिंदू लड़कियाँ अपनी मर्जी से शादियाँ करती हैं, और अगर वो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादी करती है, इनको हिंदू लड़कियों की फिक्र तभी होती है, ये असल में जो है बिल्कुल देश की लड़कियों के विरोधी ताकतें हैं, ये साधारण व्यक्ति विरोधी ताकतें, और इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद और कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है, जो महिला विरोधी है, जो जन विरोधी है, जो साधारण गरीब विरोधी है। वहीं खेल मंत्री कहते हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब इन महिलाओं को जंतर मंतर से या धरने से उठ जाना चाहिए। बिल्कुल, वो गिरफ्तार करवा दे, किसी को यहाँ बैठने का शौक थोड़ी ना, वो गिरफ्तार करवा दे ब्रिजभूषण को, संभव है कि बच्चे उठ जाएंगे। और वहीं तमाम BJP पार्टी की नेता हैं, महिला नेताएं हैं, तो जब ये खेल में जीत के आती थी, स्वर्ण पदक लेके आती थी, तो फूल माला के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाते थे स्वागत में, बड़े बड़े ट्वीट करते थे, लेकिन अब पार्टी की तरफ से एक सिंगल ट्वीट नहीं आ रहा, इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, इनको जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी महिला सांसद हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार इनको नज़र नहीं आते, या आंखें बंद कर लेती हैं, तो ये शर्म की बात है। शुक्रिया मैम। तो देख सकते हैं हमारे साथ मैम थी और खुले तौर पे बता रही हैं कि अब भारत में बेटियों के लिए वही मनुवाद अभी भी है, जबकि हम सब, आप सब जानते हैं कि भारत में संविधान लागू है, उसके बावजूद भी बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।